हमें शनिवार को जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई थी कि कुछ उनके वांटेड लोग हैं जो हाईवे से ट्रेवल कर रहे हैं, चंडीगढ़ से दिल्ली साइड में जा रहे हैं। उनको हमने मुरथल टोल पर नैब किया था और उसी समय कुछ देर बाद जे एंड के पुलिस के उनको हमने हैंडओवर कर दिया था। तो जे एंड के पुलिस के जो आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपनी उनकी अरेस्ट यहाँ सोनीपत में डालने के बाद लोकल मैजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड लेकर उनको वापस जम्मू कश्मीर लेकर गए हैं और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जे एंड के पुलिस सर द्वारा क्या क्या कर नाम रही क्या है। क्या नाम है जो अरेस्ट हुए हैं? कि उनमें कनव अरोड़ा, रवि और एक रवि की जो वाइफ थी, इन तीन लोगों को यहाँ से गिरफ्तार सर कोई किया बच्चा के गया। साथ है क्या? कि जो उनके बच्चे वगैरह साथ थे, उनके फैमिली मेंबर्स बुला लिए गए थे, उनके हैंड ओवर कर दिए सर गए। कहाँ के रहने वाले थे ये? इनमें जो कनव है वो चंडीगढ़ का रहने वाला, रवि और उसकी वाइफ अमृतसर के रहने सर वाले कहाँ थे। जा रहे थे ये कुछ पता चला? देखिए, वो हाईवे से ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन वो डिटेल्ड जो पूछताछ है वो जे एंड के पुलिस ही कर रही है और वो आगे उन इन्वेस्टिगेशन का विषय है, तो वो जे एंड के पुलिस ही बेटर अपडेट कर सर पाएगी। इसमें कुछ कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी मिले सुना, होंगे ऐसा पास? सुनने में आया कि आतंकवादी संगठन को फंडिंग करने का कोई मामला देखिए, था क्या? वहाँ जे एंड के में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में नगरोटा पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर्ड है, जिस FIR में इनको अरेस्ट किया गया है। और बाकी उनके ये किस चीज़ में वांटेड थे वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और वो जे एंड के पुलिस द्वारा की नकली जा रही पासपोर्ट है। का भी मामला सामने आया था नकली क्या सर? पासपोर्ट का भी मामला सामने आया था। वो उनका एक पासपोर्ट था जिसकी इंटीमेशन हमने फतेहाबाद पुलिस को दी है, क्योंकि वो फतेहाबाद से बना था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन फतेहाबाद पुलिस द्वारा सर की जा किसका रही है। पासपोर्ट था सर? कदम का था या रवि वो का था? रवि का था।